अस्सलाम वालेकुम जी, अस्सलात व सलाम अलैका या सय्यदिया रसूलल्लाह व अला आलिका सहाबका या सय्यदिया हबीबल्लाह। मौसम की तब्दीली के साथ जनाब कबूतरबाजी में भी तब्दीली आ चुकी है। हमने अपना ब्रीडर सेटअप ये देखे खाली कर दिया है, बेड़े अच्छे से वैसे सीधे पकड़ो खाली कर दिया है, जो सेटिंग चेंज की आज मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें, असल में मौसम तब्दील हो रहा है ना, तो ये जो हवा है ना ये सही नहीं है कबूतरों के लिए। मेरी नज़र से ये जो आजकल की हवा चल रही है, तो हमने क्या सिस्टम बनाया है, अंधेरा है ना, अभी लाइट करते हैं, चेक करें ज़रा। ये लें जनाब, हम अब सिस्टम ये देखें। बेटे मोबाइल सीधा पकड़ो ना मेरा बेटा, ऐसे थैंक यू मेहरबानी आप बस मोबाइल पकड़ के रखो। लो भाई जान है पिजन कॉर्नर, ये डोर बंद करो जरा एक मिनट, सेटिंग कर लिए मैं कहा थोड़ी दोस्त कहते ना मच्छर, ये बल्ब जेडे है ना रात ली मच्छरों की भी बड़ी बचाओ कर दे भाजी, ये भी मैं चेक किया वा, मेरे को दोस्त ने बहुत अच्छा मशवरा मैं दिता सी, इंशाल्लाह इन्हें का फायदा कर दे। आप हम कबूतरों की सेटिंग जो करनी, थोड़ा और ऊंचा कर दो। देखिए एक मिनट, आप बहुत चलाक हैं, मेरे से चलाक नहीं हैं, हम सेटिंग कर रहे हैं। बाबा वो जो मच्छरों वाली लाइट है उसको क्या करते हैं, उस पे भी बल्ब लगाएंगे ना। लो जी बल्ब गिर गया है लेकिन टूटा नहीं है, बच गया है, सूज निकल गया था, सूज फिर चल पर रहा है, फिर चल पर रहा है, ये हलाल के पैसे लगे हुए हैं इसलिए टेंशन नहीं है। तो इसमें हम इसको इधर बांध देंगे, इधर बांध देते हैं ना, गला दे बांध दो इसको, इसके साथ इधर बांध देते हैं, तो फिर बाकी सेटिंग करते हैं। एक को उधर ऊपर बांधेंगे, एक को इधर से ऐसे लपटाएंगे आगे ले जाना। नहीं यार, ये मेरा मशवरा तो ये है कि इसको करें हम ऐसे, असल में ये स्विच का भी तो हिसाब किताब लगाना है ना, ये स्विच है तार, स्विच को इधर से बांध के ऐसे है ना अब्दुल्ला जी। चलें जी, ये देखें जी हमने अपना ब्रीडिंग सेटअप चेंज कर लिया है, लाइट जला ली है, अब हम इधर लगाएंगे, ये हमारा मेन ब्रीडर सेटअप है, मच्छर जाली हर तरफ लग चुकी है, और इंशाल्लाह इधर से हवा भी क्रॉस होती रहेगी सामने से फ्रंट से, और इधर से अंदर भी आती रहेगी। ठीक हो गया सर, पिजन कॉर्नर चैनल सब्सक्राइब करना लाजमी है, भूलना नहीं है, और आपने फिर इंजॉय करना है। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम जी, अस्सलात व सलाम अलैका या सय्यदिया रसूलल्लाह व अला आलिका सहाबका या सय्यदिया हबीबल्लाह। बिस्मिल्लाह जी, अंदर ब्रीडर सेटअप दे लाइटा तो ला लिया आप वक्ती तौर पर सिर्फ गुजारे लिए, तो नाइट व्यू का तुम शौकर होना सारे, नाइट व्यू करता आप ब्रीडर ज खुडे दे विच माशाल्लाह जनाब नाइट व्यू हो गया वा, तो इधर आओ जरा ना तुम एक अद्धे कबूतर का शाम को नाइट व्यू शौक कराइए सर, इधर अंदर इस तरफ आओ, ए इस तरफ आओ आप ऐसे, जरा ये चूहे कबूतर का शौक है, पास कर लो मोबाइल, हाँ जी ए चेक करो सर, जूम करो थोड़ा सा जनाब, सर शौक करो ना, जूम करो थोड़ा सा बेटे, हेलो भाई जान चमक देखो अख दी, ए चूहा कबूतर है मेरे घर का मोतियां वाला, मेरे घर का पट्ठा भाजी, इन्हें घर इतें ही धागा लैस किया जनाब, ए आई नाइट व्यू के व्यू करो, चेक करो जरा पल्ले, और सानू तो नहीं लोगों वागू ए करके कबूतर दिखा आता तहु कर, इधर मेरी तरफ जैसे मैं करूँ मेरी तरफ किया करो ना मोबाइल फिर आपको, ए चेक करो ना मनु सर इतना इतना करके कबूतर की सैटिंग करनी होंगी, कबूतर फड़न के बड़े फार्मूले है जनाब, जिन्होंने कबूतर फड़ना आ गया वह सर कबूतरबाजी सीख गया, तो मैनू ये चीज़ा नहीं होंगे, ए चेक करो जरा, असं तो सीधे सीधे कबूतर फड़ गए हैं पल्ले दिखाने वाले बंदे हैं जनाब, ए चेक करो, हेलो पता नहीं किदा इदा पदरे करते पार्सल, लेकिन जो हैगा तुहाडे सामने हकीकत है जी, ए चूहा वा जी, ए चेक करो दुम, ए चेक करो पंजे, ठीक है जी, ए देखो माशाल्लाह ए पट्ठा वा जी, घर दा ही पट्ठा वा, बिस्मिल्लाह, ए चेक करो जनाब, ए भी कबूतर खरीद पे आ वा जी, ए अपना फिरोजपुरी अब्दुल्ला दी उपर करो जरा मोबाइल, एदा भी मैं कहा शौक करा दी एक बार फिर बड़े दिनों बाद, देखो जरा माशाल्लाह जूम करो थोड़ा सा, करो ना जूम करो बेटे, पिजन कॉर्नर चैनल सब्सक्राइब करें, इंजॉय करें, और कबूतरबाजी सीखें और सिखाएं,
ठीक है जी। ऐसा करो मेरा पुराना सब तो पुराना फिरोजपुरी कबूतर फुल पुरानी ब्लड लाइन का ऐसा करो ऐ सर पूरा सैटअप ही अपना वा जी माशाल्लाह जी ये भी कबूतर दिखाता ऐ चेक करो सर ਇਹ ਕਬੂਤਰ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਸਰ ਸਾਕੀ ਭਾਈ ਦਾ ਮੇਨ ਦੇਸੀ ਕਬੂਤਰ ਜਨਾਬ ਅਦਰਕ ਦੇ ਸਬਜ਼ ਗਾਟਿਆਂ ਵਾਲੇ ਕਬੂਤਰ ਰਿਜ਼ਲਟਡ ਕਬੂਤਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਜਨਾਬ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਐਤਕੀ ਚੇਤਰ ਦੇ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝੱਸਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਜਨਾਬ ਇਹ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਜ਼ਰਾ ਹੋਰ ਭਾਜੀ ਕੀ ਕਬੂਤਰ ਹੁੰਦੇ ਅਤੇ ਕੀ ਪੱਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸਾਰਾ ਬ੍ਰੀਡਿੰਗ ਸੈਟਅਪ ਆਪਣਾ ਚੇਂਜ ਕਿਸਮ ਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਯਾਰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਖੈਰ ਕਰੇਗਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਝੱਸਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤੇ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਇੱਧਰ ਵੀ ਲੈਟ ਲਈ ਇਹ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਇਹ ਮਾਦੀ ਆ ਜੀ ਇਹ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਮਾਦੀ ਦੇ ਪੰਜੇ ਦੋਸਤ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੰਗਦੇ ਆ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇਹ ਮਾਦੀਆਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹਜੇ ਤੱਕ ਆਂਡੇ ਨਹੀਂ ਲਾਏ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਪਤਾ ਲਾਏ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਗੌਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਇਹ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰੀ ਮਾਦੀ ਆ ਜੀ ਹੁਣ ਚੈੱਕ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੋਬਾਈਲ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਹਿਲਾਓ ਯਾਰ ਹੁਣ ਚੈੱਕ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇੱਥੇ ਅੰਦਰ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਆ ਕਬੂਤਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਖਾਸ ਕਬੂਤਰ ਆ ਭਾਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਸਲਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹਜੇ ਲੈ ਰਿਹਾ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਵਾ ਜ਼ੂਮ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰਾ ਹੋਰ ਜ਼ੂਮ ਕਰੋ ਦੇਖਣਾ ਪੰਗੇ ਬਹੁਤ ਲੈਤੇ ਉਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਇਹ ਬਸ ਇਹ ਸਰ ਬਹੁਤ ਖਾਸ ਕਬੂਤਰ ਆ ਜਨਾਬ ਇਹ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਜ਼ਰਾ ਪੱਲੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਹੋਣ ਤਾਂ ਹੈ ਅੰਨੇ ਖਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਚਿੜੀ ਮਾਰ ਬੱਲੇ ਆ ਤੇਰੇ ਬੱਲੇ ਤੁਹਾਡੀ ਦੋਗਲੀ ਤਰੀਸੀ ਦੇ ਹੁਣ ਇਹ ਚੈੱਕ ਕਰਿਓ ਤੇਰਾ ਇੱਕ ਕਾਲਾ ਕਬੂਤਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂ ਆਹ ਦੇਖਿਓ ਜੀ ਇਹ ਕਾਲਾ ਕਬੂਤਰ ਦੇਖੋ ਜੀ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਵੀ ਦੇਖੇ ਇਹ ਉੱਡ ਉੱਡ ਕੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਜ਼ਰਾ ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਹ ਪਾਰੇ ਦਾ ਇਹ ਸਿੱਧਾ ਪਾਰ ਵਾ ਜੀ ਇਹ ਕੁਦਰਤ ਇਹਨੂੰ ਨਾਮ ਦਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਸਰ ਇਹ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਜ਼ਰਾ ਇਹ ਕਬੂਤਰ ਦਾ ਪਾਰ ਇਹ ਇੱਦਾਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਰਹੇਗਾ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਬੂਤਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹ ਐਕਸਟਰਾ ਪਾਰ ਹੁੰਦਾ 11ਵਾਂ ਪਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਜ਼ਰਾ ਇਹ ਲਓ ਇਹ ਕਬੂਤਰ ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇਗਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹ ਕਬੂਤਰ ਨੂੰ ਉੱਡਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਇਹਨੂੰ ਨਾਮ ਦਿੰਦਾ ਸਰ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਪਾਰ ਨੇ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਪਰਾਂ ਨਾਲ ਲੰਮਾ ਹੋਏ ਨਾ ਸਿੱਧਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਇਹ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਇਹ ਲਓ ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਸ ਤੋਂ ਹਰ ਕਬੂਤਰ ਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿਸਮ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਸਰ ਜੋਂਸਰਾ ਟੈਰੀ ਕਬੂਤਰ ਜਨਾਬ ਇਹ ਲਓ ਇਹ 10 ਵਾਰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਦਿਆ ਪੱਠਾ ਹੀ ਆ ਘਰ ਦਾ ਹੀ ਆ ਪਿਆਜ਼ੀ ਡੋਰੀ ਵਾਲਾ ਇਹ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਜੀ ਇਹ ਮਾਦੀ ਦੋ ਵਾਰੀ ਸੋਕੜੇ 'ਚੋਂ ਦੋ ਵਾਰੀ ਝੋਲੇ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਬਚ ਗਈ ਆ ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਨਾਮ ਲੈਣਾ ਗੋਲਡਨ ਮਾਦੀ ਆ ਇਹ ਕੋਈ ਕੰਮ ਸਾਖੀ ਭਾਈ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਜਨਾਬ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿਓ ਬਸ ਕਲੀਅਰ ਕਰੋ ਇਹ ਗੋਲਡਨ ਕਬੂਤਰੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮਾਦੀ ਆ ਜੀ ਭਾਈ ਜਾਨ ਲਓ ਜੀ